मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता की समीक्षा करने की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे पत्र में सीएम गहलोत ने आदर्श आचार संहिता का समय कम करने और इसके प्रावधानों की समीक्षा करने की मांग की है। पत्र में सीएम ने बताया कि लंबे समय तक आचार संहिता लागू रहने से राज्यों को संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा होती है, नीतिगत फैसले लेने में दिक्कत होती है। गहलोत ने बताया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 78 दिनों तक आचार संहिता लागू रही, इससे सरकारी काम ठप रहे, आम जनता को भारी समस्याएं उठानी पड़ी। गहलोत ने पत्र में हवाला दिया है कि आचार संहिता पालना को लेकर आयोग के अंदर मतभेदों ने इस संवैधानिक संस्था की साख को आघात पहुंचाया है। गहलोत ने आयोग को बताया कि आचार संहिता के चलते सीएम, मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अधिकारियों से फीडबैक लेने और कानून व्यवस्था और जनहित के काम की मॉनिटरिंग करने की मनाही होती है, साथ ही कई जरूरी फैसले भी नहीं ले सकते हैं। गहलोत ने पत्र में लिखा कि लोकसभा चुनाव सामान्यतः गर्मी में होते हैं, इस दौरान राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल प्रबंधन की बड़ी समस्या रहती है, गर्मी में बिजली की उपलब्धता और सुधार कार्य भी प्रभावित रहता है, इसलिए आचार संहिता में ऐसे कामों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। साथ ही रोजमर्रा के काम और आवश्यक बैठकों की मनाही से भी कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, इस पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए। सीएम ने सुझाव दिया कि जहां मतदान हो वहां मतगणना तक आचार संहिता तार्किक नहीं होती है, इसलिए इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत चुनाव के समय भी कई बार आचार संहिता के नियमों को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं।